खबरों में बढ़ेंगे आगे और यूपी के सभी जिलों में हो रही है जीएसटी विभाग की छापेमारी पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। यूपी सरकार ने अगले 72 घंटे तक के लिए जीएसटी विभाग की छापेमारी को रोकने का आदेश दिया है। बता दें आपको कि पिछले एक हफ्ते से प्रदेश स्तर पर जीएसटी विभाग की छापेमारी चल रही थी और इस छापेमारी से यूपी के सभी जिलों के व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। हर जिले में व्यापारी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे, तस्वीरें लगातार सामने आ रही थी। व्यापारियों का आरोप था कि जीएसटी विभाग के अफसर उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। वही छापेमारी को लेकर व्यापार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पुष्पदंत जैन ने रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी और इस मुलाकात से सीएम ने व्यापारियों को किसी तरह की कोई दिक्कत न होने का आश्वासन दिया है। तो फिलहाल जीएसटी विभाग की जो छापेमारी प्रदेश भर में चल रही थी उसे रोक दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद जीएसटी विभाग की छापेमारी के बाद से लगातार व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ था। खबरों में बढ़ेंगे आगे बाद बहराइच की, जहां दयाशंकर सिंह का अखिलेश यादव पर निशाना। चाचा भतीजा जनता की ताकत के कारण हुए एक, मैनपुरी का किला बचाने के लिए डरकर एक हुए, तो ये बड़ा बयान सामने आया है बहराइच से दयाशंकर सिंह का। अखिलेश यादव पर उन्होंने निशाना साधा है, साथ ही कहा कि मैनपुरी का किला बचाने के लिए डर कर एक हुए हैं और मैनपुरी की जीत उनकी जीत नहीं, जनता ने नेताजी को श्रद्धांजलि दी है। बहराइच पहुंचे परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के एक होने पर बयान दिया, निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चाचा और भतीजा मैनपुरी का किला बचाने के लिए एक हुए, उन्होंने जनता की ताकत पहचान ली। मैनपुरी उपचुनाव में मिली जीत को लेकर उन्होंने कहा कि ये अखिलेश यादव की जीत नहीं, जनता ने नेताजी को श्रद्धांजलि दी है। चाचा भतीजा क्यों आए? चाचा भतीजा ये आए कि जनता की ताकत के कारण आए। जब आजमगढ़ और रामपुर की उनकी सियासत ध्वस्त हो गई, मैनपुरी अंतिम किला बचा हुआ था, तो ये डर करके एक हुए हैं। और आप ये भी, आप मैनपुरी की जीत उनकी जीत नहीं है, वो मुलायम सिंह की लोगों ने श्रद्धांजलि दिया, वो उनके नेता थे, उनके प्रिय नेता थे, इसलिए उन्होंने उनसे श्रद्धांजलि मांगा, लोगों ने उनको श्रद्धांजलि के रूप में वोट दिया। खबर बिजनौर से, जहां रिटायर्ड कर्मचारी से ठगी की वारदात, एटीएम बदलकर 1,10,000 की ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। तो